अभी हम सीकर ज़िले के दांतारामगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पे कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बीच सीधी सीधी लड़ाई है। हमारे पास CPIM के लीडर आमरा राम, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के बेसिस पे ये जनता के बीच जाके वोट की अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा चुनावी मकसद ये है कि नीतियों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जो संघर्ष किए हैं वो संघर्ष आगे बढ़े, और राजस्थान का खजाना मुख्यमंत्री मंत्री अफसरों के लिए खर्च नहीं हो, जनता के लिए खर्च हो। और जिस तरह से भ्रष्टाचार से शासन चला है उस भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, विकसित राजस्थान हो, शिक्षित राजस्थान हो, और राजस्थान के संसाधनों का संपूर्ण उपयोग हो। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़ा राज्य है, खनिज संपदा में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन इस जमीन का, इन खनिज संपदा का कुछ मुट्ठी भर लोग फायदा उठा रहे हैं, उसका 7 करोड़ जनता के लिए उपयोग हो। निश्चित रूप से इसको लेकर के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चे में 7 पार्टियों को शामिल किया है, और बाकी पार्टियों को भी शामिल करके इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का और कांग्रेस को सत्ता से दूर करके एक किसान मजदूर नौजवान के हक की सरकार बने और राजस्थान एक समृद्ध राजस्थान हो, रोजगार युक्त राजस्थान हो, पेयजल की समस्या से निजात मिले, शिक्षा और चिकित्सा की जो निजी हाथों में देकर जो लूट कर रहे हैं उसे छुटकारा मिले। आपने अभी सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगाया, भाजपा के यहाँ से विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस से। आपने उन पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि उन्होंने सिर्फ आज तक पिछले 70 सालों में लूटने का काम किया। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इन दो बड़ी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने काम नहीं किया? जब मैं आ रहा था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो अच्छी सड़कें मिली मुझे हर जगह पे, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया दूसरे? आज दांतारामगढ़ के बहुमत गांव पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसते हैं, 500 रुपये दे के टैंकर गिराते हैं, लेकिन उनको एक भी समस्या दिखाई नहीं देती। और पूरे 5 साल में 10 विधानसभा सत्रों में, एक बजट सत्र में 100 प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्होंने 5 साल में एक सवाल नहीं पूछा। शिक्षा का, चिकित्सा का, पेयजल का, रोजगार का, किसान के भाव का, कर्जे का, 13-13 दिन किसान लड़ रहा था, वो विपक्ष में थे लेकिन 13 सेकंड भी उन किसानों के पास जाने का काम नहीं किया, अपनी जबान से उनका वाजिब मांगों का समर्थन करने का काम नहीं किया। इसलिए भाजपा लूटती है कांग्रेस चुप रहती है, जब कांग्रेस की बारी आती है कांग्रेस लूटती है तो भाजपा चुप रहती है। ये अ और बी एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। इसलिए हमारा इस चुनाव में नारा है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। आपकी जो छवि है, आप एक आंदोलनकारी किसान नेता की छवि है आपकी, और बहुत सारे आंदोलन किए हैं आपने किसानों के हित के लिए। ये जो आपका बेल्ट है, क्या ये किसानों का बेल्ट है? ये मूलतः लोगों की आय का स्रोत क्या है यहाँ पे, और क्या यहाँ की लोकल समस्याएं हैं? और आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की, पीने के पानी की है, खेती के पानी की है। राजस्थान नहर जैसलमेर के टीलों में चली गई लेकिन सीकर और शेखावाटी में नहीं आई। ये केवल नेताओं ने जिस तरह का भेदभाव, जिस तरह की दुश्मनी सीकर जिले से अपनाई है, आप देखिए 8 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 2 में सरकारी महाविद्यालय हैं, सीकर और नीम का थाना, 6 SDO हेडक्वार्टर आज भी सरकारी महाविद्यालय विहीन मुख्यालय हैं, और पड़ोसी जिले में चूरू में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 में सरकारी महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, और उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बड़े बड़े नेताओं का, ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, उप प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री को छोड़ करके मुख्यमंत्री से लेकर सब सीकर और दांतारामगढ़ से बन गए, और राष्ट्रपति भी बना है। इसी दांतारामगढ़ की प्रतिभा पाटिल
वो भी उनका भी ससुराल यही है, लेकिन इस दांतारामगढ़ को पिछड़ा रखने में इस भाजपा और कांग्रेस ने सोतेला व्यवहार किया है, उसका बदला निश्चित रूप से यहाँ की जनता लेगी। और ये संघर्षों का ही देन है कि चाहे वो बिजली की रेट हो, चाहे नरेगा के लिए हो, चाहे कर्जा माफी और भाव के लिए हो या सम्मान के लिए हो, जब भी जनता ने आवाज लगाई है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको साथ लेकर के, ऐसी बहुमत 163 की सरकार को भी एक बार नहीं 5 साल में बार बार झुकाने का काम किया है। और ये ताकत यहाँ के किसान मजदूर में है जो न केवल यहाँ के लिए लड़ता है बल्कि पूरे राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए लड़ता है। मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था कि लोकल मुद्दे क्या हैं, अगर यहाँ पे खेती की जाती है तो किसानों को क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए वो आपको इस बार वोट दें या आप पे यकीन करें, क्यों आप उनके लिए, अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए क्या प्लान्स हैं आपके? मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 400 सभाओं में कहा कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, लेकिन उन्होंने भी 5 साल में लागू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि ये लागू कर देंगे तो अराजकता हो जाएगी। तो सबसे प्रमुख है कि खेती के लिए पानी हो, और जिन नीतियों से 300 वाली DAP 1300 है, 10 रुपये वाला डीजल 78 रुपये है, हर चीज़ जो खेती में काम आती है वो 5 से 7 गुना बढ़ी है, और किसान उससे पैदा करता है जो पहले भाव मिल गया वो आज नहीं मिलता है, और जो समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है बाजरे का, जो प्रमुख फसल खरीफ की बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, वो 1 किलो भी बाजरा नहीं खरीदा गया, 1950 रुपये मोदी जी ने 7 जुलाई को यहाँ के घोषणा की, लेकिन पूरे राजस्थान में 1 किलो बाजरा भी नहीं खरीदा है, 1950 की जगह 1200 रुपये में आज किसान को बाजरा बेचना पड़ रहा है, मूंग का 6,975 रुपया MSP है लेकिन आज भी उसको 4,000 और 4,500 में बेचना पड़ रहा है। आप अंदाजा कीजिए, चाहे उड़द है, अरहर है, मूंग है, बाजरा, जिनकी MSP घोषित है वो नहीं मिल रही है, और जो 27 रुपये में गाय का दूध बिकता था वो 17 रुपये में इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण है। तो निश्चित रूप से इन तमाम समस्याओं, एक आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या, बछड़े पे पाबंदी लगा करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बछड़े को, गाय को और पालने वाले किसान को मारने का काम किया, और मोदी जी ने तमाम पशुओं की बिक्री पे पाबंदी पशु क्रूरता के नाम से ले आए। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसानों को, 13 दिन के आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी को पशु बिक्री कानून पे पाबंदी को वापस लेना पड़ा। ये तमाम मुद्दे जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आम जनता के मुद्दे हैं, उनके लिए संघर्ष मजबूत हो, और अगर सत्ता में पहुंचे तो कानून बनाकर उनको लागू करने का काम करेंगे, इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। यूथ वोटर की संख्या बहुत बड़ी है, तो हर इलेक्शन में यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये तो आपने जो मुद्दे गिनाए ये किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन जो यूथ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आपकी पार्टी को वोट करें, आपके पास क्या प्लान है, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? राजस्थान की पहली सरकार है जिसने 25,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया। आज भी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 सरकारी महाविद्यालय नहीं है, और जब खेती का विकास होगा तो उद्योग का विकास होगा, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर खेती फायदे का सौदा होगी, खेती में उत्पादन बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेगा, खेती अगर घाटे का सौदा रहेगी तो न व्यापार बढ़ेगा न खेती बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरत है, 71 साल के बाद में भी राजस्थान को अशिक्षित रखा है, इसलिए पहली प्राथमिकता होगी कि पूरा राजस्थान का हर जन्म लेने वाला बच्चा शिक्षित हो, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार की गारंटी हो, और रोजगार अगर सरकार नहीं दे पाए तो भत्ता दे। इस 71 साल में न रोजगार दिया है, बल्कि जो रोजगार मिला हुआ है, चाहे वो सार्वजनिक संस्थान, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, RTDC हो, तमाम को सरकारें निजी हाथों में देने का काम कर रही है। इन नीतियों को बदलने की जरूरत है, मैं समझता हूँ नीतियाँ बदलेंगी तो शिक्षा भी मिलेगा, बीमार को इलाज मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को भाव मिलेगा और मजदूर को काम मिलेगा, तो एक बेहतर भारत बनेगा, और उस बेहतर भारत के लिए हम ये प्रयास करें।
ये चुनाव आपके लिए कितना कठिन है, कितना मुश्किल है? इस बार राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक तीसरे मोर्चे की का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जाट समाज जो कि आपके शेखावती रीजन में जिसका डोमिनेंस है, बड़ी संख्या में वो है, उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, उनके उनमें से एक नेता उभरे हैं हनुमान बेनीवाल के रूप में, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक पार्टी अपनी लॉन्च की है। क्या ये आपके लिए एक चैलेंज होगा? उनकी पार्टी आपके लिए वोट काटेगी, क्या होगा? कैसे आप उनको एक थ्रेट की तरह देखते हैं या नहीं? दूसरी तरफ हम आरक्षण के मुद्दे पे जो फॉरवर्ड क्लास है, कोट अनकोट स्वर्ण समाज कह रहे हैं, वो भाजपा से उसकी नाराजगी तो है, लेकिन उसको आप अपने फोल्ड में लेने के लिए आपके पास क्या प्लान है? असल में राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ इस लाल झंडे ने अखिल भारतीय किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस 5 साल में जो कृषि संकट है उसको फोर फ्रंट में लाने का काम किया। हनुमान बेनीवाल भी उन्हीं किसान मजदूर नौजवान की लड़ाई लड़ रहा है, मैं स्वागत करता हूँ। और हमारा कोई चैलेंज नहीं है, वो भी भाजपा और कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, हम भी उसमें, और 7 पार्टियों को मिलाया और बाकी तमाम उनको मिलाने का काम करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस दिन अपनी पार्टी लॉन्च की थी तो जयंत सिन्हा जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, जयंत चौधरी आए और उन्होंने भाजपा और नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब बोला तो उनके मंच पे जो और लीडर्स उनकी पार्टी के मौजूद थे उन्होंने उसका विरोध किया। तो आप ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का भी वही एम है जो आपका एम है, लेकिन मोदी का उनके मंच से विरोध किया जाना, और लेकिन उस विरोध का एक विरोध होगा, तो आपको लगता नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी है? आप हमारा प्रयास है दोनों को परास्त करना, और जो भी इस यज्ञ में आहुति देगा उन सब का हम स्वागत करेंगे, साथ लेने का काम करेंगे। बाकी अपने अपने पार्टियां हैं, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के लिए ये सबसे बेहतर चुनाव होगा, और मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। अमरा राम चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस दांतारामगढ़ का हर किसान मजदूर और नौजवान चुनाव लड़ रहा है,